अब सड़क पर नहीं चलेगी मनमानी। ट्रैफिक नियम तोड़ा तो पड़ेगा महंगा। जवान तो कटेगा भैया तेरा। 3 साल तक हो सकती है जेल। देखिए आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए। जी हाँ, मोदी सरकार का नया मोटर व्हीकल बिल राज्यसभा से पास हो गया है। इस बिल में सड़क नियमों का पालन न करने वालों पर सख्ती बरती गई है। इस बिल के मुताबिक अब रैश ड्राइविंग करने पर, हेलमेट नहीं पहनने पर, रेड लाइट जंप करने पर, शराब पीकर गाड़ी चलाने या फिर अन्य किसी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना काफी महंगा पड़ने वाला है। इस नए मोटर व्हीकल बिल में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वसूले जाने वाले जुर्माने की राशि को 10 गुना बढ़ा दी गई है। इस नए नियम के तहत सीट बेल्ट नहीं लगाने पर अब 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। हेलमेट नहीं पहनने पर अब 1,000 रुपए जुर्माने के साथ 3 महीने तक लाइसेंस रखने के अयोग्य घोषित किया जाएगा। आपातकालीन सेवा में लगी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर अब 10,000 रुपए का जुर्माना या 6 महीने तक जेल की सजा या फिर दोनों हो सकता है। लाइसेंस के बिना ड्राइविंग करने पर अब 5,000 रुपए का जुर्माना या 3 महीने तक की जेल या फिर दोनों हो सकता है। वहीं दोबारा पकड़े गए तो 10,000 रुपए जुर्माना या 1 साल तक की जेल या फिर दोनों हो सकते हैं। अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने पर अब 5,000 रुपए जुर्माना या 3 महीने तक जेल या फिर दोनों होगा। बहुत तेज चलाने पर या सड़क पर रेसिंग करने पर अब पहली बार में 5,000 रुपए जुर्माना या 3 महीने तक जेल या दोनों, लेकिन दूसरी बार पकड़े गए तो 10,000 रुपए जुर्माना या 1 साल तक की जेल या दोनों हो सकते हैं। नाबालिग को गाड़ी चलाने देने पर 3 साल तक की सजा और ओवरलोडिंग पर अब 20,000 रुपए और 2,000 रुपए प्रति टन की दर से जुर्माना लगेगा। जाहिर है कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर बढ़ाए गए जुर्माने की राशि और सजा का ये प्रावधान सरकार ने बेलगाम हो रहे सड़क हादसे पर अंकुश लगाने के लिए किया है।